अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचा है सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सुबह में रेगुलर पेट्रोलिंग करते 100 टाइम पे अबाउट 6:30 मॉर्निंग 6:30 बजे के टाइम पे पेट्रोलिंग करते जब एक दो आदमी हमको सस्पिशियस दिखा था KMG लेन पे सस्पिशियस दिखे थे। उनको पुलिस वाले क्वेश्चन करने के लिए रुके, उनके पास में जा रहे थे, वो भागने की कोशिश करे, इससे वो दोनों को कैच करके उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करने से वहाँ पे पता चला कि वो लोग जो बैग्स हैं उनके पास में, वो बैग्स में गांजा है और ये लोग गांजा बेचने के लिए यहाँ पे ठहर के डिस्पोज करने के लिए कोशिश कर रहे बोल के पता चला था। इससे इमिडिएटली हम वो दोनों को भी हमारे कस्टडी में लिए और उनका मटेरियल जो भी है बैग्स का वो भी हम कस्टडी में लिए। फिर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और टोटल वो 12 किलो वो बेचने के लिए ट्राई कर रहे थे बोल के मालूम हुआ इन्वेस्टिगेशन में। और ये 12 किलो भी ये लोग धनियाल ये उड़ीसा का रहने वाला ये आदमी से उड़ीसा में प्रोक्योर करके यहाँ पे वहाँ पे कम रेट में खरीद के यहाँ पे ज़्यादा रेट में बेच के ये लोग इजी मनी अर्न करके ऐसा इनका ज़िंदगी गुजार रहे बोल के इन्वेस्टिगेशन में पता चला। इनको अरेस्ट करके हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए। सब गांजा का वैल्यू 70,000 तक रहता 12 kg का। और विकास सिंह जो है उसके ऊपर ऑलरेडी 2 गुड़ुम्बा के केसेस हैं बोल के पता चला और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इनका टोटल पूरा हिस्ट्री इनका डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में हम लेके आके फिर चार्जशीट में फाइल करते। जब अच्छा तरीके से चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करके इनको कन्विक्शन आ जाता हम कोशिश करें। थोड़ा में इनका केसेस नहीं है। ये विकास सिंह जो है गोलकोंडा के पास में एरिया में रहने वाला है। एक LB नगर में एक केस है बोल के पता चला।